क्या आप जानते हैं जब 35 सेंचुरी सचिन ने कंप्लीट की तो उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया? सचिन और उनके बहुत अच्छे दोस्त विनोद कामली ने 35 वड़ा पाव मंगवाए और उसको सेलिब्रेट किया। इतना ही नहीं, सचिन को वड़ा पाव बहुत पसंद है जिमखाना क्लब का। अभी मेरे हाथ में जो वड़ा पाव है वो नोएडा सेक्टर 26 के शेफ प्ले हाउस का वड़ा पाव है और इसकी एक खास बात यह है कि आटे के बन से बनाया है। हेल्थ को देखते हुए इसमें मैदा के बन की जगह आटे के बन का यूज़ किया गया है। इतना ही नहीं, वड़ा पाव मुंबई के कल्चर का तो हिस्सा है ही है, मुंबई के खान पान का, पॉपुलर कल्चर का हिस्सा है, लेकिन उसका राजनीति से और बालासाहेब ठाकरे से भी एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो हम अंदर चलते हैं और अनिमेश से जानते हैं कि वो कनेक्शन क्या है। मेरे हाथ में इस समय जो है वो दाबेली है। शरद आपको वड़ा पाव के बारे में बता रहे थे, लेकिन मेरे हाथ में जो है वो दाबेली है। बिल्कुल वड़ा पाव जैसी दिखती है, लेकिन ये वड़ा पाव है और ये दाबेली है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। वड़ा पाव मुंबई से आता है और दाबेली गुजरात से आती है। हम आपको सबसे पहले वड़ा पाव के इतिहास के बारे में बताते हैं। वड़ा पाव की शुरुआत 70 के दशक में हुई। ये बहुत पुराना खाना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कई सालों से चला आ रहा हो। वड़ा पाव असल में आलू ही हिंदुस्तान में पुर्तगालियों के साथ आया लगभग 500 साल पहले, तो वड़ा पाव बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो सकता था। 70 के दशक में दादर स्टेशन के बाहर एक अशोक वैद्य नाम के शख्स थे जो बटाटा बड़ा बेचा करते थे। फिर उन्होंने एक बटाटा बड़ा को बन या पाव में दबा के और उसमें थोड़ी सी चटनी लगा के बेचना शुरू किया। जो तेज़ रफ्तार, जो लोकल में रोज़ सफ़र करने वाले लोग जिनके पास समय नहीं होता, उनके लिए सुविधाजनक भी था और उनको अच्छा भी लगा और पेट भी भर जाता था। और ये चीज़ बालासाहेब ठाकरे को भी बहुत अच्छी लगी। तो हुआ ये कि उन्होंने अशोक वैद्य को कहा कि बीएमसी परेशान करे, कोई परेशान करे तो मुझे बताना, शिवसेना उसका ख्याल रखेगी और आप वड़ा पाव बेचिए। और इसके बाद शिवसेना ने क्या किया कि वड़ा पाव को महाराष्ट्र के या मुंबई के कल्चर के साथ कहा जाए जोड़ दिया जाए, क्योंकि वड़ा पाव देखते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ आती है कि ये जो बर्गर है विदेशी उसका भारतीय जवाब है। तो ये जो जवाब देने की जो राजनेताओं में इच्छा होती है उसी के तौर पे हुआ कि कहीं पर कोई बेरोजगार मजदूर है कुछ है तो उन्होंने उसको वड़ा पाव का स्टॉल लगवाना शुरू किया। और उसके लिए जो परमिशन और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी वो नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ था और उसके ऊपर शिवसेना का हाथ था। जैसे कुछ समय पहले पकौड़ों की बात हुई थी राजनीति में कि पकौड़ों से रोजगार दिया जाता है, लेकिन वड़ा पाव के साथ एक समय तक रोजगार बहुत तेज़ी से बढ़ा और वड़ा पाव की लोकप्रियता बढ़ी। ये मुंबई की फिल्मों में आया, बटाटा वड़ा को लेकर गाने बने, वड़ा पाव बहुत सारे डायलॉग्स में इस्तेमाल हुआ मुंबई की जो डेली लाइफ को दिखाने में, और इस तरह से ये दुनिया भर में या भारत में बहुत लोकप्रिय हो गया। ये वैसा ही है कि जैसे मुंबई के बहुत सारे स्टेशन अंधेरी, दादर, विरार का नाम हमने सुने और हिंदुस्तान की ज़्यादातर जनता ऐसी होगी जो कभी वहाँ गई नहीं है, वही वड़ा पाव के साथ भी है कि ज़्यादातर लोगों ने वड़ा पाव का नाम सुना है, उसको खाया नहीं है। फिलहाल हम नोएडा में हैं और नोएडा में शेफ्स प्ले हाउस में है, और मुंबई और नोएडा के वड़ा पाव में बुनियादी फ़र्क है कि आपको मुंबई में वड़ा पाव स्ट्रीट्स पे मिलेगा जैसे नोएडा में या दिल्ली में मोमोज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वड़ा पाव जो है वो स्ट्रीट पे नहीं मिलेगा। ये यहाँ का दिल्ली का स्ट्रीट फूड नहीं है, ये दिल्ली में आपको थोड़ा सा कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलेगा। हम शेफ्स प्ले हाउस में ये कई तरह के वड़ा पाव और कई तरह के बड़ा बटाटा वड़ा और कई तरह की दाबेली, पिज़्ज़ा, पास्ता, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। बहरहाल इनका जो बटाटा वड़ा और जो दाबेली है ये बहुत खाने में बहुत मज़ेदार है और पिछले कई समय से हम इनके यहाँ रेगुलर आते हैं बटाटा वड़ा के लिए। और दाबेली की अब बात करते हैं, तो दाबेली मुंबई के बगल से यानी गुजरात से आती है और गुजराती खाने में सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें खट्टा मीठापन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ भी आप खाएंगे, ढोकला भी खाएंगे, उसमें मिर्च भी होगी और वो मीठा भी होगा। इसी तरह से दाबेली है, तो उसमें जो दाबेली मसाला पड़ता है वो बहुत तीखा होता है और उसके साथ जो अनार या दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं वो मीठी भी होती हैं। इस तरह से दाबेली का स्वाद जो है वो बटाटा वड़ा से या वड़ा पाव से थोड़ा सा अलग है और इसका जो लिटरल मीनिंग होता है गुजराती भाषा में ये दबा देना है। तो इसमें एक तरह से आप सैंडविच कह सकते हैं जिसमें आपने आलू में तमाम मसाले मिलाए, चटनियाँ मिलाई और उसको काफ़ी तीखा और मीठा यानी खट्टा मीठा या स्पाइसी बनाया और उसके बाद उसको दबा दिया। और ये दबा देने में एक अलग तरह का स्वाद आता है जिसके बीच में हम मिर्च रखते हैं। और कभी नोएडा आइए तो इनके यहाँ ज़रूर खाइए। तो हमने एनिमेश से जाना कि वड़ा पाव का और दाबेली का क्या कनेक्शन, क्या इतिहास है, पॉलिटिक्स से वो कैसे जुड़ा है, और अभी मैं वड़ा पाव एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। वैसे वड़ा पाव का हमने आपको बालासाहेब ठाकरे के साथ इतिहास बताया और खाने का इतिहास से और राजनीति से हमेशा से एक लंबा संबंध रहा है। खाना सीधे जनता से जुड़ता है और राजनीति जनता से जुड़ने की कोशिश करती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं, मोमोज के बारे में बात कर सकते हैं और बहुत सारे खाने के ऊपर बात कर सकते हैं। अलग अलग ऐसी छुपी हुई जगहों पर आपको लेके जा सकते हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग नहीं पहुँचते हैं, जहाँ पर आपको गूगल आपको लेके नहीं जाता। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और दिल्ली या मुंबई से बाहर कहीं पर आप हैं तो आपके यहाँ क्या वड़ा पाव मिलता है हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बाकी आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में हमें बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं।